जिला अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक में मनकच का संचालन शुरू हो गया। यहां अवसादग्रस्त मरीजों का इलाज होगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसका संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि SIC डॉक्टर राजकुमार गुप्ता और CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत हेल्पलाइन नंबर 9336929266 भी जारी किया गया, जिस पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मरीज संपर्क कर सकेंगे। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आत्महत्या की रोकथाम और मोबाइल एडिक्शन पर नियंत्रण में मनकच की अहम भूमिका होगी। साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार शाही ने बताया कि विश्व में 8 लाख में से एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। मनकच लोगों के मन से अवसाद दूर कर आत्महत्या रोकने में कारगर होगा। उन्होंने बताया कि कम नींद आना, ज्यादा सोना, उलझन, घबराहट, हीन भावना, जिंदगी के प्रति नकारात्मक सोच, एक ही विचार मन में बार बार आना, एक ही कार्य को बार बार करने की इच्छा होना, डर लगना, अनावश्यक शक होना, कानों में आवाज आना मानसिक रोग के लक्षण हैं। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर AK प्रसाद, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता पटेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद, इंद्रदेव सिंह, मनीष तिवारी, अजय सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार शाही और CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा। इसमें से आधी गोली सुबह शाम खाइएगा, ठीक है? इसमें से बहुत तेज सिर में दर्द होगा, तबियत खोली ऐसा नहीं खाना करिएगा। 20 दिन के बाद फिर आके दोबारा मिल लीजिएगा डॉक्टर साहब से, जैसा कंटिन्यू हो सके। लंबा चलेगा, 2 साल लगभग फिर चलेगा, उसके बाद फिर देखेंगे। करीब करीब 2 साल पर बंद कर दिया जाता है, जैसे कुछ अगर चक्कर नहीं आया कम करने पे दवा तो बंद कर देंगे, नहीं अगर फिर भी आ गया तो फिर हो सकता है कि और लंबा चले। अगर चक्कर आता है या नहीं आता है उसके बाद आइए, उसमें भी देखते हैं। राम होता है मेरा शुभ नाम, मैं डॉक्टर अमित कुमार शाही, मानसिक रोग विशेषज्ञ। यहाँ पे जो शुभारंभ हुआ है ये एक साथ 3 चीज़ों को एक साथ में ही करने की सुविधा दी जा रही है। पहले हम लोग OPD वहाँ चलाते थे, मनकक्ष यहाँ था, मरीज को असुविधा थी आने में। अब यहाँ पे OPD देखी जाएगी मानसिक स्वास्थ्य की, इसके बगल वाले कमरे में साइकोलॉजी मन कक्ष है जिसमें साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और मरीजों की काउंसलिंग साइकोथेरेपी की जाती है। वहाँ पे टेस्ट आया हुआ है, तनाव के प्रबंधन के लिए मशीन आई हुई है, बायोफीडबैक मशीन शुरू हो गई है, जांच आ गए हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के जिनमें IQ असेसमेंट और इस तरह के टेस्ट किए जाएंगे, पर्सनालिटी असेसमेंट, बीमारियों के बारे में जो हेल्पफुल जांचें हैं वो किया जाएगा। उसके बगल वाला 51 नंबर कमरे में दवा दी जाएगी, यहीं से दवा दी जाएगी सारी चीज़ें निःशुल्क। किन बीमारियों के बारे में, तो मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक रोगों का इलाज यहाँ किया जाएगा। बीमारियों के नाम तो बहुत हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक आजकल नया नाम लोगों में के चलन में आया है, ये बीमारी बहुत लोग प्रचलित हो रही है जिसको नया इंक्लूड किया गया है, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, बच्चे हों या बड़े हों मोबाइल का नशा है, और भी किसी तरह का नशा हो, अफीम का, शराब का, गांजा का, तो तंबाकू का या मिथाइलफेनिडेट, हेलुसिनोजेंस, कई तरह के नशीले पदार्थ होते हैं सूंघने वाले, हर तरह के नशा का इलाज किया जाता है।
किया जाएगा मानसिक रोग, वो भी मानसिक रोग होता है, उसका भी इलाज यहाँ होता है। कुछ बच्चों की बीमारियाँ होती हैं, ऑटिज़म होता है, ADHD होता है, तो ये सब साइकेट्रिक या मानसिक रोग होते हैं जिनके लक्षणों के बारे में हम अभी चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम चिन्हित करेंगे। मोटे तौर पर ये देखना है कि किसको किसी की नींद में परिवर्तन हो गया हो, किसी के स्वभाव में परिवर्तन हो गया हो, किसी का मन न लग रहा हो, उदासी आ गई हो, लंबे समय तक चल रहा है, किसी कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, किसी के मन में कान में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं बाकी लोगों को वहाँ नहीं सुनाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उससे कोई बात कर रहा है, या किसी को अकारण भ्रम हो जाता है बिना किसी आधार के, निराधार भ्रम कि कोई मुझे मारेगा, कोई मेरा दुश्मन है, इस तरह के लक्षण अगर किसी में मिलते हैं तो ऐसे लक्षण मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। एक बार जांच करा लेनी चाहिए, अगर मानसिक रोग है तो उसका निदान हो जाएगा। सारे मानसिक रोग जैसे कोई अन्य रोग है उसी तरह से मानसिक रोग हैं, सारों का इलाज उपलब्ध है। बीमारियों के लिए नई नई अच्छी दवाएं आ गई हैं, अब सारे रोगियों को नियंत्रित रखा जा सकता है, कंट्रोल और ट्रीट किया जा सकता है, सभी लोग ठीक हो जाते हैं। जो लोग सड़क पर घूमते हुए दिखाई देते हैं कि एकदम से विक्षिप्त अवस्था में और कुछ भी पहने, कुछ भी खा लें, नाली में सो लें, मुँह घुस जाएँ, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई चेतना नहीं रह दिखती है उनके में, वो लोग भी दवाओं से ठीक हो रहे हैं। तो दवाएं ऐसी हैं, समाज को हम सबका की जिम्मेदारी है और अपेक्षा रखी जाती है कि एक दूसरे की मदद करके उनका इलाज शुरू कराएं। इलाज होने लगेगा तो वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। जागरूकता का उद्देश्य यही है कि सब लोग जानें और एक दूसरे की मदद करें ताकि जो भी मानसिक रोगी है वो स्वस्थ होकर समाज में अपना योगदान दे सके, कोई भी सकारात्मक योगदान दे। ऐसे जब तक वो नहीं स्वस्थ है तब तक वो सभी के लिए परेशानी है, वो खुद में तो उसको दिमाग उसको बता नहीं पा रहा है कि उसको क्या दिक्कत है, लेकिन बाकी सभी के लिए वो परेशानी है। सड़क पे एक आदमी हमारा भाई गंदी अवस्था में घूम रहा है, वो अच्छा तो नहीं लगता है, समाज का पिक्चर अच्छी तस्वीर नहीं बनती है, वो मारपीट करता है, कारण किसी को ढेला चला के मार देगा, कई बार हत्या के प्रयास भी हुए हैं, हत्या भी कर देता है ऐसे भ्रम में आदमी, तो समाज के लिए ख़राब है। जब दवा के साथ ठीक हो जाएगा तो वो एक सकारात्मक योगदान देगा। तो हम सब ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनको यहाँ लाने में मदद करें कि वो लोग यहाँ आएँ, उनका इलाज हो, वो लोग ठीक हो जाएँ, यही सबका प्रयास है। और इसलिए इसके लिए सरकार की तरफ से ये सुविधा है, जिला अस्पताल में निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं, इलाज निःशुल्क होता है, और मरीजों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कमरा नंबर 49 में देखा जाता है। मंगल, बृहस्पति और शनि में हम लोगों का भ्रमण कार्यक्रम है, जो हम फील्ड में जाते हैं वहाँ भी इलाज करते हैं, देखते हैं, दवा देते हैं, और PHC CHC पे भी भ्रमण है। इस तरह से बता पाना कि कितनी होगी अभी ये डाटा हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि हम 150 के लगभग, 120 से 150 के लगभग हर OPD में देख रहे हैं मरीज, और ऐसे गोरखपुर में लगभग 20 लोग हैं साइकेट्रिस्ट, जो सभी जगह कमोबेश इसी तरह की संख्या है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि 20 लोग हैं तो कम से कम 2000 मरीज तो रोज मानसिक रोग के देखे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोरखपुर में है, क्योंकि मरीज तो हर जगह से आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी OPD में ही मरीज गोरखपुर के भी हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, देवरिया कहाँ से, कहीं से भी, कई जगह से मरीज आ रहे हैं। तो ये एक जनरलाइज पिक्चर हो सकता है कि पूर्वांचल में ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है, कोई मल्टी सेंट्रिक स्टडी भी इस तरह की नहीं है जो गोरखपुर के बारे में स्पेसिफिकली बताए बाकियों से कंपेयर करके कि यहाँ पे लोग जाते हैं, इसके मरीज जाते हैं। मानसिक रोग की हमारे क्लिनिक यहाँ जिला अस्पताल में चलती है और बहुत अच्छे से चल रही है, और उसमें आज हम लोगों ने कुछ मशीनें नई और कुछ टूल्स जिससे जांच किया जा सके, क्योंकि मानसिक विकार बहुत तरह का होता है, वो वहाँ स्थापित कराया है, और एक और मशीन खरीदी जानी है जो एक करीब 3 से 4 लाख के बीच आती है, उससे कुछ टेस्टिंग की जाती है और लोगों को काउंसलिंग की जाएगी उस चेंबर में, तो उसी का आज वहाँ शुभारंभ हुआ है। और क्लिनिक तो हमारी पहले से ही चल रही है, हमारी इस क्लिनिक के द्वारा हम पेरीफेरी में भी PSC और CSC पर हमारे साइकेट्रिस्ट और उनकी टीम जाती है और वहाँ हेल्थ मेला के रूप में कैंप लगाती है और लोगों को पंपलेट्स, बैनर्स वगैरह के माध्यम से जागरूक करती है कि क्या क्या ऐसी दिक्कतें मनुष्य में हो रही हैं जो
मानसिक रोग की श्रेणी में आता है और इसको हम कैसे टैकल करें, कैसे ओवरकम करें कि हम अपने रोज़मर्रा का काम जिसमें बहुत सारा स्ट्रेन है, बहुत सारा टेंशन है, उसको ओवरकम कर सकें। उसी की जब स्टेज बहुत बढ़ जाती है तो उसको हम पागल की श्रेणी में रख देते हैं। तो वैसी स्टेज ना आने पाए उससे पहले ही मानसिक रोग चिकित्सक से सलाह लेके उसकी जांच करा के और कुछ इलाज भी दिया जाता है, वो इलाज से उसको ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन है, साइकोसिस है, सिज़ोफ्रेनिया है, ये बीमारियां हो जाती हैं। और उसी तरह अगर किसी को सफाई की लत पड़ गई है, ओबेशन कहते हैं कि वो 15 बार हाथ ही धोएगा, किसी को डर का ओबेशन हो जाता है, किसी को नींद ठीक से नहीं आती, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसी के संदर्भ में और भी मशीनें लग रही हैं यहाँ और हम उसको सुदृढ़ कर रहे हैं।